हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था और एम्पलीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में भी अपन एम्पलीट्यूड के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की एग्जाम में आए हुए भी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपने को गिवन है, आपको सामने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल गिवन दिख रहा होगा कि इसमें आपको दिया हुआ है कि जो बिंदु जो अपने यहाँ पर लेके चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इस जेड का आपको क्या बताना है, बिंदु पते बताना है। ठीक है, बिंदु पत लोकस बताना है कि ये कहाँ मतलब लोकेलेटे होगा। ठीक है, लोकेटेड होगा उसके लिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए अपने को जो बिंदु पथ है लोकस है उसको यहाँ पर डिस्कस करके बताना है, और वो भी किसकी हेल्प से, एम्पलीट्यूड की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इसको सरल करते हैं, ये जो वैल्यू गिवन है इसको अपन सरल करते हैं, जेड माइनस वन बटा जेड प्लस है वन। अब अपन जानते हैं जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आइटा वाई होती है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक्स प्लस ए आइटा वाई माइनस वन बटा एक्स प्लस आइटा वाई प्लस वन। ठीक है, अब जो प्लस जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई बटा एक्स प्लस वन प्लस आइटा वाई, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब अपन इसको क्या कराएंगे, इसके संयुग्म से गुणा कराएंगे, तो ये वाला जो है इसका संयुग्म भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए वन माइनस ए आइटा वाई, यही होगा इसका संयुग्म, और नीचे भी आ जाएगा एक्स प्लस ए वन माइनस ए आइटा वाई। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले तो एक्स माइनस वन का होगा एक्स प्लस ए वन से, ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर मेरा यहाँ पे जो एक्स माइनस वन है इसका किससे होगा, माइनस ए आइटा वाई से, तो माइनस ए आइटा वाई और इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ए वन से, ये लिख दिया। अब आइटा वाई का अपन इससे करेंगे तो प्लस आइटा वाई का होगा एक्स प्लस ए वन से, और आइटा वाई का माइनस आइटा वाई से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो आइटा और आइटा ये आपस में गुणा होंगे, क्या होंगे, माइनस वन होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ए बन जाएगा और ए वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए अब इसको आगे जो है वो अपन सॉल्व करते हैं और इसके लोकस को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू अपने पास ये तो बन जाए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो माइनस आइटा एक्स वाई ये पहला और ये प्लस आइटा वाई ये हुआ, दूसरा इसको खोलते हैं प्लस आइटा एक्स वाई और प्लस ए आइटा वाई और प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है, एक्स प्लस ए वन का होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो देखिए इधर अपनी जो अपनी रियल नंबर है उनको एक तरफ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये अपना रियल नंबर है इसको लिख लिया, आइटा वाई एड होके कितना हो जाएगा, टू आइटा वाई हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगी अपनी वैल्यू, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोई भी वैल्यू का जब अपन एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो एम्पलीट्यूड में क्या लिखा जाता है, जैसे अगर अपना जेड गिवन होता है, जेड गिवन होता है एक्स प्लस ए आइटा वाई, तो एम्पलीट्यूड जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड उसको अपन क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स
वाई बटे अक्स, यही लिखते हैं, यानी जो अपना इसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको लिखते हैं और जो इसका रियल पार्ट होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों हैं अपने पास में। तो देखिए इनके लिए अपन एम्पलीट्यूड पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट अलग करके लिखते हैं, तो ये बनता है, ये बन गया, और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब देखो अब अपन इसका क्या निकालते हैं, एम्पलीट्यूड निकालते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ है जेड माइनस वन बटे जेड प्लस वन इक्वल में क्या होगा, टेन इनवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी जाएगी, पहले ऊपर इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाएगा, तो टू वाई बटे एक्स प्लस है वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया, और नीचे क्या लिखा जाएगा, इसका जो ये पार्ट होता है उसको लिखा जाएगा, यानी रियल पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस है वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों भाग में हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, और अपने को यहाँ पर गिवन कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस वन बटे जेड प्लस वन की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, पाई बाई थ्री यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या बचा, टेन इनवर्स है टू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल में क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अपने को यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो देखिए अब अपन टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो इधर हो गया टू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल में टेन पाई बाई थ्री। अब टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू अपन सभी जानते हैं क्या होता है, टेन पाई बाई थ्री की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट थ्री, और उसको अपन पुट करेंगे और इसके लोकस को फाइंड आउट करेंगे। तो टू वाई बराबर टू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट तीन आ जाएगा, ठीक है। अब इनका क्या कर लेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो टू वाई बराबर अंडर रूट तीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो अंडर रूट तीन है इसको अपन किस में भेज देंगे, उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो गया टू वाई बाई अंडर रूट थ्री इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। तो जो इक्वेशन आएगी वो अपने पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इसको भी उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बाई अंडर रूट थ्री और माइनस वन बराबर में जीरो। और ये किसकी इक्वेशन होती है, ये एक सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इसका बिंदुपद फाइंड आउट होगा, बिंदुपद जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे एक वृत्त आएगा, जो कि क्या है, एक वृत्त की समीकरण है। अतः z का बिंदुपद क्या होगा, एक वृत्त होगा, ठीक है। इस तरह से अपन क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी, वृत्त की इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसका जो बिंदुपद होगा वो भी क्या आ जाएगा, वृत्त ही आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगले यहाँ पर अगर अपन देखें अगला, तो उसको भी देख लेते हैं, एक इजी क्वेश्चन और है इसकी, इसी का दूसरा पार्ट है, उसको अपन और सॉल्व करके देख लेते हैं। वो मॉड्यूलस के लिए गिवन है, उसमें अपने को मॉड्यूलस की हेल्प से सॉल्व करना है। अपने को गिवन है यहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस आइटा बटा जेड प्लस आइटा, और ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल है किससे, टू से,
ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इसमें क्या किया, इसका स्क्वायर किया हुआ है, दोनों पे क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया हुआ है, तो इधर हो गया 4। सबसे पहले तो क्या किया अपन ने, स्क्वायर किया है। अब देखिए स्क्वायर किया है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस आइटा और जेड बार प्लस है आइटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये क्या किया है मैंने, इसके मॉड्यूलस को जो स्क्वायर है उसको खोला है, ठीक है, और नीचे क्या है, जेड प्लस आइटा है तो जेड बार माइनस आइटा हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल में क्या है 4 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इन वैल्यूज को अपन मल्टीप्लाई करके करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको जेड को जेड बार से उसको उधर भेज देते हैं, जेड माइनस आइटा इधर रह गया और जेड बार प्लस आइटा भी इधर रह गया, और ग्रेटर देन ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जेड प्लस आइटा जेड बार माइनस आइटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, जेड जेड बार ये आ गया और फिर क्या आ जाएगा, जेड आइटा आ जाएगा, फिर माइनस है जेड बार आइटा आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस में 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 4 अपना चल ही रहा है साथ में, 4 का साथ साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा जेड जेड बार, ठीक है, और फिर ये होगा जेड आइटा माइनस 4 जेड आइटा, और ये होगा प्लस में 4 जेड बार आइटा, और इधर होगा प्लस का 4, ये वैल्यू यहाँ पर है आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अपन इनका क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, सभी जो वैल्यूज है उनको उधर ले जाते हैं, ठीक है, यानी देखिए इधर क्या लिख लेते हैं, 4 जेड जेड बार माइनस 4 जेड आइटा, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं पहले लिख रही हूँ, तो जो साइन होगा वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, प्लस 4 जेड आइटा प्लस 4, और ये वैल्यू सारी इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस जेड जेड बार हो गया और माइनस जेड आइटा हो गया और प्लस जेड बार आइटा हो गया और क्या हो गया, माइनस में 1 हो गया और लेस देन इक्वल में 0 हो गया। ये ग्रेटर देन का जो साइन था वो किस में चेंज हो जाएगा, अब लेस देन में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब देखिए अपने पास क्या बचा, 4 जेड जेड बार और 1 जेड जेड बार, तो कितना बच गया, 3 जेड जेड बार बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अपने पास में, जो वैल्यूज है वो जुड़ जाएगी, देखिए सॉरी ये जेड बार आइटा है, ये 4 जेड बार आइटा और ये 1 जेड बार आइटा, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 जेड बार, ठीक है, तो 5 आइटा, और मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ 5 के साथ में आइटा, और अंदर क्या हो जाएगा, जेड बार माइनस जेड, क्योंकि देखिए ये इधर माइनस 4 जेड है और ये माइनस जेड, ये माइनस का 5 जेड हो जाएगा और ये 4 जेड बार और ये जेड बार 5 जेड बार हो जाएगा, तो इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, आइटा को मैंने ले लिया, और इसके बाद 4 माइनस 1 ये कितना हो गया, 3, लेस देन इक्वल है 0। अब देखिए इनको सरल कर लेते हैं तो अपने पास इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, तो जेड जेड बार को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखते हैं ना अपन, इन दोनों वैल्यूज को जब अपन सरल करेंगे तो यही आएगा, और जेड बार माइनस जेड करते हैं अगर तो कितना आता है, आइटा वाई आता है, माइनस 2 आइटा वाई आएगा इधर, ठीक है, 5 आइटा और माइनस 2 आइटा वाई ये आएगा प्लस 3 लेस देन इक्वल 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये कितने हो गए 10, और वो भी कैसे प्लस के 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल 0, ये वाली इक्वेशन अपने को यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है, और ये भी किसकी इक्वेशन होती है यहाँ पे,
वृत्त की इक्वेशन होती है, तो इसका बिंदुपत भी क्या होगा, वृत्त यहाँ पर होगा। और लेस देन इक्वल का अर्थ क्या है, ये अंदर स्थित है, ठीक है। लेस देन और इक्वल का अर्थ क्या है, इस वृत्त, ये जो बिंदु होगा, जो जेड अपना स्थित होगा, वो कहाँ होगा, या तो इस सर्कल के ऊपर स्थित होगा या इस सर्कल के अंदर स्थित होगा, ठीक है। इस तरह से अपने कोई भी जो अपने जेड है, कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके लोकस को यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने एम्पलीट्यूड के कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।